पंजाब में बहुचर्चित सिद्धू मूसेवाला मर्डर को अभी सिर्फ 2 महीने ही बीते हैं कि एक और सनसनीखेज मर्डर से पंजाब दहल गया है। इस बार पंजाब के मलकोटला जिले में आम आदमी पार्टी के पार्षद मोहम्मद अकबर का मर्डर हो गया है। ये घटना उस समय हुई जब मोहम्मद अकबर जिम में थे और सोमवार तड़के 2 अज्ञात हमलावर जिम में घुसे और पार्षद को गोलियों से भून डाला। घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए। घटना पंजाब के मलेरकोटला जिले में हुई है। आम आदमी पार्टी के नगर पार्षद मोहम्मद अकबर सुबह सुबह जिम में थे, वहीं 2 अज्ञातों ने उन पर हमला कर दिया। मलेरकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवनीत कौर सिद्धू ने बताया कि एक व्यक्ति जिम में घुसा और अकबर को गोली मार दी। उन्होंने बताया कि मोहम्मद अकबर को बिल्कुल करीब से गोली मारी गई है। घटना के बाद पुलिस ने मोहम्मद अकबर को एक अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। सीसीटीवी साफ देखा जा सकता है, एक सफेद रंग की टी शर्ट पहने आप पार्षद जिम में है। इस दौरान काले टी शर्ट और टोपी लगाए एक युवक उनके सामने आता है और कुछ बातचीत करने लगता है। आप पार्षद रुकते हैं और इसी दौरान युवक अपनी कमर से गन निकाल कर गोली चला देता है और इसके बाद वहां से फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस परों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने यह भी बताया कि मामला व्यक्तिगत दुश्मनी का लग रहा है और इस मामले में की जांच की जा रही है। संबंध में मामला भी दर्ज कर लिया गया है।